कौन थे ये लंबी कदकाठी और राजपूती लिबास में रहने वाले और खून से इतिहास लिखने का दावा करने वाले ये शख्स लोकेंद्र सिंह कालवी, जो जब भी जहां जाते तो अपनी जबान से जज्बात और जुनून पैदा कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लेते और अपने लिए एक बड़ा समर्थक भी खड़ा करते थे। कहा जाता है कि वे अच्छे निशानेबाज थे, लेकिन सियासी निशाने में हमेशा चूक जाते थे। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोठा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। तो चलिए सबसे पहले अब आपको ये बताते हैं कि लोकेंद्र सिंह कालवी सुर्खियों में कब आए थे। साल 2018 में रिलीज हुई पद्मावत मूवी को आप में से कई लोगों ने देखा होगा, तो वो दौर भी याद होगा जब देश के अलग अलग कई हिस्सों में इस मूवी पर जमकर बवाल देखने को मिला। जी हाँ, वो बवाल करने में जिस शख्स की भूमिका देखने को मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि लोकेंद्र सिंह कालवी ही थे। और तो और, कालवी जी ने पद्मावत की जानी मानी एक्ट्रेस यानी कि दीपिका पादुकोण पर भी जमकर हमला बोला था। आपको बता दें कि लोकेंद्र सिंह कालवी ने करणी सेना का गठन किया था, जिसका उद्देश्य राजपूतों को एक सूत्र में बांधना था। करणी सेना ने राजपूत समाज पर आधारित फिल्में सीरियल का कई बार जमकर विरोध किया। कालवी के नेतृत्व में 2008 में फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म यानी कि जोधा अकबर की रिलीज का भी पूरे राजस्थान में विरोध देखने को मिला। 1993 में पहली बार लोकेंद्र सिंह कालवी ने राजपूत आरक्षण की बात उठाई। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि आरक्षण के लिए श्री राजपूत करणी सेना ने 2006 से लगातार हर सरकार के सामने सामान्य वर्ग और राजपूत समाज के आरक्षण के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए। पूरे देश में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण हो कि एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने समाज के लिए 20 वर्ष से भी कोई चुनाव ना लड़ा हो। हर घर वे अक्सर अपनी सभा में कहते थे, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो बाप का नहीं वो राष्ट्र का कैसे हो सकता है। इस प्रकार कालवी जी जीवन भर हमेशा समाज के लिए संघर्ष करते हुए 13 मार्च 2023 को पंचतत्व में विलीन हुए। तो आप बताइएगा, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कीजिए और देखते रहिए राजस्थान से जुड़ी हर खबर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक पे।